सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा सरकार हॉस्पिटल के सहयोग से आगामी 10, 11 एवं 12 मार्च का विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं सर्जरी कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए 25 फरवरी गुरुवार को इसका एक टेम्पलेट भी जारी किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि कैंप में स्त्री रोग, मूत्र रोग, पेट रोग, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग व छाती रोग आदि बीमारियों के विशेषज्ञ मरीजों को निशुल्क परामर्श देंगे तथा उनके ऑपरेशन भी निशुल्क करेंगे। सरकार हॉस्पिटल के डॉक्टर तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राठौड़ सरकार एवं डॉक्टर देवासी सरकार ने बताया कि कैंप के अंतर्गत मरीजों के ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी द्वारा दूरबीन विधि से किए जाएंगे। आवश्यकता होने पर मरीजों का अल्ट्रासाउंड मात्र 300 रुपए में तथा अन्य चिकित्सा जांच से 50% छूट के साथ की जाएगी। ट्रस्ट महामंत्री गौतम सेठ के अनुसार मरीजों के रजिस्ट्रेशन चालू है। मरीज अपना रजिस्ट्रेशन सरकार हॉस्पिटल तथा सत्यमेव जयंती ट्रस्ट के केंद्र पर करा सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर विनायक वाजपेयी, डॉक्टर शरद गुप्ता, रविन्द्र शर्मा, राम भाई, हरीश भाई, रवि बंसल, नंद किशोर गोयल आदि मौजूद थे। यह स्त्री रोगों से संबंधित सभी प्रकार की सर्जरी का एक कैंप है और इसके अतिरिक्त भी स्त्री रोगों के अतिरिक्त भी हम लोग इसमें सभी प्रकार के ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो किडनी से संबंधित हो और उसमें सभी ब्रांचेस के डॉक्टर्स हमारे साथ। मरीज को सिर्फ जो उनकी जांचें होनी है उन जांचों का लगभग 50% चार्ज लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त और कोई चार्ज नहीं। दवाइयां और ऑपरेशन के जो खर्चा, दवाइयां और ऑपरेशन वो सब निःशुल्क हैं और रहना भी निःशुल्क है। इसमें कुछ जटिल ऑपरेशन हैं जो कि नेफ्रोलॉजी से संबंधित हैं, जिनमें कि कुछ मतलब ऐसे कंज्यूमेबल्स आते हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज मरीज को देना होगा। वो डिपेंड करेगा किस तरह का केस है, क्योंकि उसमें कई जटिलताएं रहती हैं और उसके विषय में वो मतलब उसे भी कम से कम करके सब्सिडाइज करके वो चार्जेस लिए जाएंगे। 10, 11 और 12 मार्च में यहाँ पर एक शिविर चल रहा है जिसमें हम अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि इस शिविर का पूरा फायदा उठाएं, इसमें निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। धन्यवाद। आपका सर किस तरह के मतलब कर रहेगा उसमें? हम मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं, यूरोलॉजिस्ट, तो उसके पेशेंट इसमें ऑपरेशन किया जाएगा। हाँ, इसमें उनका बीमारियों का इलाज किया जाएगा और जो है उस हिसाब से ऑपरेशन किया जाएगा।